गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेंस, वेलकम टू क्लास 8। टुडे आई विल रिवीजन द फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर। इन फर्स्ट चैप्टर इज फर्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट द फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन ए लार्ज स्केल एट ए प्लेस इज कॉल्ड। ये फिल कर लीजिएगा। द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोविंग क्रॉप इज ऑफ द soil, damaged seeds, wood on top of water for growing a crop, sufficient sunlight and from the soil are essential. Okay? ये आप बच्चों आपने फिल किया होगा, सर ने आपको फिल कराया होगा। ओके, फर्स्ट चैप्टर है ये। सेकेंड क्वेश्चन है मैचिंग। ओके, मैच द कॉलम ए एंड बी। खरीफ क्रॉप्स इज वीट, ग्राम, पी। रबी क्रॉप्स, सॉरी, खरीफ क्रॉप पैडी एंड मीस। रबी क्रॉप वीट, ग्राम, पी। केमिकल फर्टिलाइजर यूरिया एंड सुपर फास्फेट। ऑर्गेनिक मैन्योर एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट। थर्ड क्वेश्चन इज गिव टू एग्जाम्पल ऑफ विच। खरीफ क्रॉप आपकी कौन सी है? पैडी एंड मेज है। रबी क्रॉप वीट एंड ग्राम है। राइट ए पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स। ये नहीं आएगा बेटा आप लोगों का फोर क्वेश्चन। फिफ्थ है एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। ये भी नहीं आएंगे। सिक्स, व्हाट इज इरिगेशन? डिस्क्राइब टू मेथड ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। तो इसको एक शॉर्ट क्वेश्चन हम बना के दे सकते हैं, जैसे व्हाट इज ए इरिगेशन, इरिगेशन क्या है, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। सेवन, इफ वीट इज सोन इन द खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन, डिस्कस। नहीं आएगा। एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन फील्ड। ये भी नहीं आएगा। व्हाट आर वीट्स, हाउ कैन वी कंट्रोल देम, ठीक है। ये क्वेश्चन जैसे मैं ये पूछ सकती हूँ, व्हाट आर वीट्स, वीट्स क्या होते हैं। ओनली शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे आपके, ठीक है बेटा। फिर अरेंज द फॉलोइंग, ये भी नहीं आना है। तो मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको बता दिया क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस तरह से आएंगे, ठीक है। ओनली शॉर्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, ट्रू फॉल्स, ये सब आएंगे। अब हम सेकेंड चैप्टर देखेंगे, जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं उसको अच्छे से आप रिवीजन कर लीजिएगा। सेकंड चैप्टर फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स, इसको पढ़ लेंगे आप। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम एयर एंड इनहेंस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। एल्कोहल इज प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ ईस्ट। कॉलेरा इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। सेकेंड, टिक द करेक्ट आंसर। ईस्ट इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक, स्ट्रेप्टोमाइसिन। कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआन इज फीमेल एनोफ्लीज मॉस्क्यूटो। द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कॉम्युनिकेबल डिजीज इज हाउस फ्लाई। द ब्रेड ऑफ इडली डर्फ राइज इज बिकॉज ऑफ ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल्स। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इंटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। मैच द कॉलम, बैक्टीरिया कॉजिंग कॉलरा, राइजोबियम फिक्सिंग नाइट्रोजन, लैक्टोबैसिलस सेटिंग ऑफ कर्ड, ईस्ट बेकिंग ऑफ ब्रेड, प्रोटोजोआन कॉजिंग मलेरिया, वायरस कॉजिंग एड्स। अब इसमें फोर्थ क्वेश्चन हम देखेंगे, कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन विद द नेक्ड आई, इफ नॉट हाउ कैन दे बी सीन। नहीं, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हो सकता है ये आ सकता है क्वेश्चन। नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। एक ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का आपको नेम बताना है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करता है, ये आएगा, ये आ सकता है। राइट 10 लाइन्स ऑन द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अवर लाइफ्स, ये भी नहीं आएगा। राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द हार्मफुल
इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं. वॉट आर एंटीबायोटिक्स, वॉट प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन वाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स. ये क्वेश्चन भी आ सकता है लेकिन शॉर्ट करके, जैसे वॉट आर एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स क्या है. ओके, ओनली वन लाइन आंसर. ओके बेटा, अच्छे से इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा. टू चैप्टर्स आएंगे आपके, उसी में से मैंने आपका सारा रिवीजन करवा दिया है. टू चैप्टर्स अच्छे से आपको बता दिए हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस किस तरह से आने हैं, उसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा. ओके चिल्ड्रंस, ओके, थैंक यू.